बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल योगा किचन। आज हम रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं और इस सिलसिले में मैंने शुगर सिरप बनाया है, इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, इसके लिए मैंने शक्कर ली है 2 किलो, शुगर 2 kg, पानी डालेंगे हम 3 गिलास पानी डालेंगे, 3 गिलास वाटर, 3 गिलास वाटर। इससे रमज़ान में शरबत बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। आप लोग ज़रूर बनाएंगे और बनाकर फिल करके बॉटल्स वगैरह में रख लें। शरबत बहुत जल्दी बन जाता है शुगर सिरप से। देखिए, 3 गिलास पानी और 2 किलो शक्कर मैंने डाली है और इसको मैं पकाऊंगी। बहुत ज़्यादा इसका शीरा नहीं बनाना है, कोई 1-2 तार का शीरा नहीं बनेगा, सिंपल सा एक शीरा बनाना है हमें। बॉयल आ जाएगा, शुगर सारी ये डिज़ोल्व हो जाए तो फिर इसको सिर्फ 2 मिनट पकाना है, उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे। शीरा बनाने से, शुगर सिरप बनाने से शरबत बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। आराम से आप फौरन जो है शरबत बना सकते हैं, झटपट शरबत बन जाता है। ये देखिए, बॉयल आ गया है अच्छा सा, बस इतना थिक रहे ये। देखिए, ड्रॉप इसका गिर रहा है, तार वगैरह नहीं बनाना इसका। ये देखिए, ठंडा कर लिया है मैंने इसे। आप 2-4 किलो जितना भी चाहे बनाएं और बॉटल्स वगैरह में भर के रख लें इस तरह से टीप लगा के, और ये मैं बॉटल में भर रही हूँ। इसको हम ठंडा करके बॉटल में भर सकते हैं और इसको पूरे रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं शरबत बनाने के लिए। बहुत जल्दी से शरबत बन जाता है, फौरन आप झटपट निकाल लें, एक नाप बना लें, उसके हिसाब से अपनी फैमिली के हिसाब से जितना शरबत आपको बनाना होता है उसका एक नाप बना लें और किसी भी गिलास से कप से और शुगर सिरप डालें, शरबत डालें, फौरन बन जाता है। ये देखिए, मैं हर साल इसी तरह से रमज़ान मुबारक में पहले से, रमज़ान के शुरू होने से पहले बना के रख लेती हूँ और फिर आराम से हमारे यहाँ शरबत बन जाता है, कोई भी बना लेता है आसानी से। देखिए, 1 गिलास में 3 टीस्पून शुगर सिरप जाएगा और 2 टीस्पून कोई सा भी शरबत हो आप वो डालें। और देखिए, शुगर वगैरह कोई हल करने की ज़रूरत नहीं होती, फौरन बन जाता है ये। ये देखिए, इस तरह बना के आप, ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रिज में रखें, आप किचन में भी इसको रख सकते हैं। किचन में इसको रखा रहने दें, ये जमेगा नहीं और इसी तरह रहेगा पूरा रमज़ान। ये देखिए, कितनी आसानी से शरबत बन गया, आप लोग भी इसी तरह बनाएं। अब हम बनाएंगे पकौड़ा प्री मिक्स, ताकि पकौड़े हमारे जल्दी से आसानी से बन जाएं और इसको बना के हम रख लेंगे। इसके लिए मैंने बेसन लिया है 1 kg, 1 किलो बेसन है। इसको छान लूँगी मैं, सारा बेसन छान लेंगे आप 1 किलो 2 किलो 5 किलो जितना भी आप बनाना चाहते हैं, इसको छान कर पहले रख लें। उसके बाद हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। आप जो मैं अभी रेशो बताऊंगी इस हिसाब से अपने मसाले इसमें मिक्स करके और भर के किसी कंटेनर में रख लें। जब भी आपको बनाना हो तो ये निकाला, उसमें अगर प्याज के बनाने पकौड़े तो प्याज मिक्स करें, मसाले मिक्स करें, हरा मसाला, और जल्दी फौरन बन जाएंगे। आलू के भी इसी तरह से बनेंगे, बैंगन के, आलू के, प्याज के, सारे पकौड़े इसी मिक्स से बन जाएंगे। रमज़ान मुबारक से पहले आप ये तैयारी करके रख लें तो रमज़ान में बहुत आसानी हो जाती है, हमें इबादत का अच्छा सा टाइम मिल जाता है और आसानी से आप ये कंटेनर से निकालें इसको, पकौड़ा मिक्स को, और फौरन आप बना सकते हैं इफ्तार के टाइम। सारा बेसन मैंने छान लिया,
छानना ज़रूरी है, इसमें लम्स वगैरह नहीं हो। ये देखिए सारा हमारा बेसन छन गया है। आसानी के लिए है ये। अब ये देखिए इसमें मैं मसाले मिक्स करूँगी, सारे ड्राई मसाले होंगे, कुटा हुआ धनिया है भर के 2 टेबल स्पून, जो आम हमारे खाने का चमचा होता है 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून कोरिएंडर, क्रश्ड कोरिएंडर, सॉल्ट है 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, रेड चिली फ्लेक्स है 2 टेबल स्पून भर के, कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून डालेंगे, अजवाइन है 1/2 टेबल स्पून, आधा खाने का चमचा अजवाइन, अजवाइन पकौड़ों में ज़रूर डाला करें, डाइजेस्ट करने में इसको आसानी हो जाती है। ये देखिए नमक है डाल दिया है मैंने, अब सोडा डाला है खाने का सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं 1/2 टीस्पून, इस तरह से इसे मिक्स कर लें। अभी हम इसमें हल्दी मिक्स करेंगे, ये देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हम रख लेंगे। इससे आसानी हो जाती है पकोड़े बनाने में, आपका टाइम बचेगा और आप अच्छे से रमज़ान मुबारक गुजारेंगे और अच्छी से आपको इबादत का टाइम मिल जाएगा। आप ये निकालें आसानी के साथ और पकोड़े वगैरह बन जाएंगे। आलू के पकोड़े अगर बनाने स्लाइस वाले तो इसमें प्याज वगैरह नहीं मिलानी। ये देखिए हल्दी डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून भर के, हल्दी मिक्स की है। बस ये सारे मसाले हम अच्छी तरह से मिक्स करके और कंटेनर में भर के रख लेंगे। आप जितना भी आपके यहाँ इस्तेमाल होता है बेसन, आप उसको छान लें पहले और ये सारे मसाले इसी रेशो से मिक्स करें और कंटेनर में भर के रख लें। बहुत आसानी हो जाएगी आपको शरबत के लिए, आप जो मैंने शुगर सिरप बनाया है वो बना लें, फिर आप देखें कितनी आसानी हो जाती है रमज़ान मुबारक में, अफ्तार के टाइम आपको आसानी होगी। देखिए तैयार हो गया हमारा प्रीमिक्स पकौड़ा, प्रीमिक्स आप बनाएं।